नर्मदे हर दोस्तों, मैं अब ध्यान पूजा करके धनेश्वर जी से निकल चुका हूँ। लगभग 7:30 का टाइम हो रहा है, लेट हो गया मुझे थोड़ा, लेकिन हो गया है। बस मैं ध्यान में बैठ गया था तो ज़्यादा टाइम हो गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये हम मांगरोल की तरफ जा रहे हैं। मांगरोल आगे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से ज़्यादा ज़्यादा 1 किलोमीटर। और बहुत सारे श्रद्धालु हैं आगे दोस्तों। ये इस वृक्ष को देख के पिछली बार बहुत खुश हुआ था और अभी भी खुश हूँ। बहुत अच्छी तरीके से इसको संजो के रखा है। बहुत पुराना लग रहा है, बहुत ज़्यादा पुराना, क्योंकि बहुत बड़ा है ये। यहाँ पे पानी भी इकट्ठा हुआ है। मोर मोर भी है इधर, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। मांगरोल में है ये, गांव में होने के बावजूद ऐसी जगह है इन्होंने रखी हुई है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे संभाल के रखना चाहिए प्रकृति को, इसी वजह से तो नर्मदा किनारा नर्मदा किनारा ही है। अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए, और यही हमारी संस्कृति है, प्रकृति के साथ रहना। दोस्तों हम पहुंच गए मंगलेश्वर महादेव तीर्थ, जो कि रास्ते के राइट हैंड पे अंदर की तरफ है। थोड़ा सा दिख नहीं सकता, इस वजह से आप ध्यान से आइए, आपको देखने को मिल जाएंगे और दर्शन मिल जाएंगे। चलिए मंगलेश्वर जी के दर्शन कराते हैं आपको। देखिए दोस्तों, वो जो रास्ता दिख रहा है ये वाला परिक्रमा मार्ग है, और यहाँ से राइट साइड में आपको ये मंदिर दिखेगा, बोर्ड लगा दिखेगा मंगलेश्वर तीर्थ बोल के। और ये रहे मंगलेश्वर भगवान के शिखर दर्शन। यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है, श्री मंगलेश्वर महादेव तीर्थ। बहुत सुंदर मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। देखिए यहाँ पे एक मूर्ति रखी है प्राचीन। ये रहे मंगलेश्वर महादेव। यहाँ की कहानी बता दूँ मैं थोड़ी सी। भूमि के पुत्र, यहाँ पे एक भूमि देवी है, ठीक है, शायद ये है, मतलब पृथ्वी के पुत्र मंगल जी, उन्हीं कई तपस्या स्थली है ये। यहाँ पे तपस्या करने के बाद में शिव जी से वरदान उन्होंने लिया था कि मुझे ग्रहों में एक जगह मिले, तो उनको यहीं पे ग्रहों में जगह मिली थी, मंगल ग्रह। पिछली बार मैं मंगलवार को पहुंचा था, इसलिए और भी अच्छा था। आज भी पहुंच सकता था, लेकिन धनेश्वर जी के दर्शन के लिए वहीं पे रुक गया। आज बुधवार है। बहुत सुंदर दर्शन। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। दोस्तों ये देखिए, ये मंगलेश्वर से होते हुए उसके सामने से, ठीक सामने से ही मंदिर के सामने से रास्ता आया है, फिर ये ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है। दो रास्ते, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जो रास्ता जा रहा है ना, वो कामनाथ महादेव के लिए जाता है। वो परिक्रमा मार्ग अलग बनाया गया है, कामनाथ महादेव का रास्ता अलग है। अगर आपको आना हो तो मंगलेश्वर से आप कामनाथ महादेव का रास्ता पूछिए, वहाँ आप पहुँच जाएंगे। दोस्तों नर्मदे हर, अब मैं आ गया हूँ कामनाथ महादेव। ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा में, और पहले आपने नहीं दर्शन किए होंगे, आज मैं दर्शन कराऊंगा इनके और उनकी कहानी भी बताऊंगा। उनकी कहानी थोड़े से मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, वहाँ पे श्री राम जी ने बाण मारा था, इसके ठीक आगे है ये स्थान, वहाँ पे मारा था बाण। और अभी मैं पिछला कैमरा ऑन करता हूँ। देखिए ये कामनाथ जी का मंदिर है अब, और यहाँ से ठीक इनके पीछे, कामनाथ जी के ठीक पीछे, यहाँ पे 45 फुट गहराई है मैया की,
45 फुट गहराई है, मतलब बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा गहराई हो सकती है। यहाँ से ऊपर से दिख रहा है बहुत ज़्यादा गहराई है, क्योंकि नीचे के पत्थर दिख रहे हैं। यहाँ से गहराई है और उस गहराई में एक मंदिर है ऐसा बताते हैं। वो मंदिर ढूंढने की किसी ने कोशिश नहीं की, लेकिन है उधर मंदिर ऐसा बताते हैं, कामनाथ जी के ठीक पीछे। और यहीं पे राम जी आए थे और वहाँ पे बाण मारा था, वहाँ पे उस जगह पे बाण मारा था। इनकी बहुत बड़ी कहानी है वैसे तो। और यहाँ पे मार्कंडेय जी की तपस्या स्थली है, मार्कंडेय जी ने तपस्या की थी। यहाँ पे किसी की भी कुछ भी कामना हो वो पूरी हो जाती है, ऐसी मान्यता है यहाँ पे आके तप। ओ देखिए देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ पे एक मगर दिख रही है, छोटी सी है, रुकिए अभी इस कैमरे में दिखेगी कि नहीं दिखेगी पता नहीं। ये देखिए वो जा रही है, दिख रहा है वो आपको, ये मगर दिख रहा है आपको तो। चलिए ये कामना थी मेरी, मैं यहाँ पे मगर देखूं। और मजाक नहीं कर रहा, मैं कल ही इस बारे में बात कर रहा था, तो आज कामना भी पूरी हो गई सही। आज देखा दोस्तों यहाँ पे क्विक रिजल्ट है, मतलब मैं कल ही बात कर रहा था कि यहाँ पे मगर दिख जाए एक आधी, तो यहाँ पे दिख गई है और अभी भी मुझे दिख रही है। अभी मैं वहाँ से ही जाऊँगा, अगर मुझे वहाँ होने तक वहाँ रही तो अच्छी बात है, आपको क्लोज करके दिखाऊँगा। लेकिन अभी हम चलते हैं कामनाथ जी के दर्शन करने के लिए, और विश्वनाथ जी भी यहाँ पे स्थापित है, वो उनके भी दर्शन करते हैं। और यहाँ पे श्री विष्णु जी की भी मूर्ति है, बहुत प्राचीन मूर्ति है, उनके भी दर्शन कराएंगे। जब से ये कामनाथ जी और विश्वनाथ जी है तब से ही मूर्ति मानी जाती है, उन्हीं के साथ मिली थी। चलिए, ये पुराना घाट भी था कामनाथ जी का, लेकिन टूट चुका है। आप वहाँ से आते हैं दोस्तों, चलिए हम अभी विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं। विश्वनाथ जी का शिवलिंग बहुत ही बड़ा शिवलिंग है और सुंदर शिवलिंग है। अब यहाँ से दर्शन करना चाहते हैं तो फिर आपको परिक्रमा मार्ग से थोड़ा सा हटके आना पड़ेगा। मंगलनाथ जी के मंदिर के ठीक सामने से ही यहाँ पे रास्ता गया हुआ है, तो आप वहाँ पहले पूछ लीजिए कि कामनाथ महादेव का मंदिर कहाँ पे है, तभी आप आ पाएंगे। नहीं तो आप परिक्रमा में आगे निकल जाएंगे और कामनाथ महादेव जी का मंदिर पीछे छूट जाएगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है, क्योंकि परिक्रमा के बाद मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था, तब मैं यहाँ पे आके रुक गया था। वीडियो लेट होने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आगे की वीडियो हमारी कंटिन्यू रहेगी। और आप कर रहे हैं कामनाथ जी के दर्शन। यहाँ पे 6 शिवलिंग ऐसे लगाए गए हैं, लेकिन वो बाद के होंगे। लेकिन कामनाथ जी का ओरिजिनल शिवलिंग आप ये जो छोटा दिख रहा है वही है जो मार्कंडेय जी की तपस्थली है, यहाँ ही पे तपस्या की थी मार्कंडेय जी ने। और राम जी का इतिहास भी यहाँ पे बताते हैं कि राम जी भी यहाँ पे आए थे वनवास में। यहाँ से मैया का व्यू बहुत पीछे से अच्छा है, तब आप यहाँ पे ज़रूर आइए और परिक्रमा के दौरान दर्शन करते हुए जाइए। कामनाथ जी के मंदिर से डायरेक्ट पीछे की तरफ यहाँ पे मैया का बहुत सुंदर नज़ारा, और बहुत दूर तक दिखते हैं मैया, क्योंकि हाइट पे है बहुत ज़्यादा मंदिर ये। देखिए वो देखिए वहाँ तक दिख रहे हैं मैया, और इधर पूरी उत्तर वाहिनी दिख रही है मैया। अब देखिए दोस्तों, मैं कामनाथ जी से अब इस साइड से मैं नीचे उतरूंगा इस घाट से, और इस तरफ चलता रहूंगा। अब रास्ते में कुछ देखने को है नहीं ज़्यादा, वो तपोवन आश्रम है और एक रामानंद आश्रम होगा। आश्रम क्या देखने, आश्रम में कुछ देखने लायक नहीं होता, तो मैं तीर्थ को फॉलो करते हुए मैं आगे की तरफ जाऊँगा। और रामानंद आश्रम से ऊपर की तरफ जाऊंगा, वहाँ पे गोपालेश्वर तीर्थ है, मैं किनारे से भी जाके गोपालेश्वर तीर्थ दर्शन कर सकता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं, और वहाँ पे मगर है बीबी है, तो मैं जाके देखता हूँ। चलिए, नर्मदे हर 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 महादेव।
दोस्तों ये है कामनाथ महादेव मंदिर, और यहाँ से ठीक उसके सामने से रास्ता गया है घाट की तरफ जाने का, ये देखिए। ठीक है, आप यहाँ पे आएंगे तो घाट की तरफ निकल जाइए नीचे, क्योंकि ऊपर से जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है, आश्रम है तपोवन रामानंद, उसमें कुछ नहीं है। पारद शिवलिंग है रामानंद आश्रम में, उनके दर्शन करने हो तो आप वहाँ से भी चढ़ सकते हैं, लेकिन घाट की तरफ जाएंगे ना तो मैया की परिक्रमा कर रहे हैं तो मैया के किनारे ही नहीं चले तो फ़ायदा नहीं है ना कुछ, इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। मैं सिर्फ मंगलेश्वर जी के लिए और कामनाथ महादेव जी के लिए रास्ते से आया था उस टाइम मांगरोल से। अब मांगरोल से नीचे उतर जाते हैं घाट की तरफ, फिर आगे रामानंद आश्रम का जो रास्ता है वहाँ तक जाता हूँ मैं किनारे किनारे, फिर वहाँ से अपन ऊपर चढ़ेंगे, वहाँ से गोपालेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे। चलिए, और यहाँ पे मैंने 3-4 मगरमच्छ ऊपर से देख ली थी, देखते हैं अभी मिलती है कि नहीं। देखिए दोस्तों, वो श्री कामनाथ जी का मंदिर, और यहाँ से मैं नीचे आ गया हूँ, और यहाँ से रास्ता थोड़ा कठिन ही है दोस्तों, और ऊपर से मैं नंगे पैर ही चल रहा हूँ, परिक्रमा नंगे पैर कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी कठिन रास्ता है देखिए, लेकिन कुछ नहीं होगा, चलते हैं हम। मैया के किनारे किनारे बहुत आनंद आता है, रास्ते से जाने का इतना आनंद नहीं आता, क्योंकि क्या है रास्ते में भीड़ भी रहती है और लोग पूछते रहते हैं ये वो ऐसा तैसा। यहाँ पे थोड़ा कठिन रास्ता है, मुझे टाइम लगेगा, लेकिन आनंद तो आएगा मैया के किनारे जाने का। यहाँ पे बस मगरमच्छ ना मिल जाए कहीं, दिख तो जानी चाहिए, लेकिन चलिए हम चलते हैं। और पत्थर बहुत ज़्यादा है इधर, और कठिन तो है परिक्रमा, अब नंगे पैर तो कठिन ही है, लेकिन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैया पूरी करा ही देगी।